नमस्कार दोस्तों, आज की वीडियो में हम जानेंगे कि 31 फीट बाई 58 फीट के हाउस प्लान को आप कैसे डिजाइन कर सकते हैं। अगर आपको नीचे पार्किंग बनानी है, ऊपर रेजिडेंस बनाना है, तो किस तरीके से आप इस चीज को डिजाइन करेंगे। तो चलिए दोस्तों स्टार्ट करते हैं। तो हमने क्या किया है, जो फ्रंट था 31 फीट का, वहां पे हमने मेन गेट लगाया है और एक विकेट गेट यहाँ पे लगाया है। यहाँ पे आप देख पा रहे हैं 5 फीट की आपकी प्रोजेक्शन अबव लाइन है, जो ऊपर बालकनी आपकी क्रिएट की जाएगी उसकी प्रोजेक्शन लाइन यहाँ पे शो की गई है। नीचे का कंप्लीट एरिया पार्किंग के लिए यूज हम करेंगे। कॉलम डिजाइन यहाँ पे आप देख सकते हैं, कॉलम लगाए गए हैं। उसके बाद पीछे का रियर लोन हम यहाँ पे बनाया गया है और यहाँ पे एक एग्जिट के लिए गेट भी यहाँ पे प्रोवाइड किया गया है और यहाँ पे भी एक प्रोजेक्शन लाइन है जो ऊपर वाली बालकनी को यहाँ से डिनोट करती है। क्लियर। तो यहाँ से हम स्टेयर्स के थ्रू ऊपर की तरफ जाएंगे, यहाँ से अप जाएंगे और यहाँ पे हम एंट्री लेंगे डाइनिंग रूम में, जहाँ पे आप डाइनिंग टेबल अपना प्रोवाइड कर सकते हैं। और डाइनिंग रूम के साथ में ही आपका ड्राइंग रूम, जहाँ पे आप सोफे वगैरह लगा सकते हैं, टीवी वगैरह कैबिनेट आप यहाँ पे यूज कर सकते हैं। ये इसी के साथ में हमने यहाँ पे एक किचन बनाई है, जिसका वेंट इधर भी है और आप इधर विंडो के थ्रू भी इस वेंट का यूज कर सकते हैं। डाइनिंग रूम के, अगर ड्राइंग रूम के बाहर की बात करें, तो 4 फीट की वाइड बालकनी हमने यहाँ पे क्रिएट की है। इसके साथ ही एक बेडरूम हमने यहाँ पे अटैच किया है 10 फीट बाई 15 फीट 1.5 इंचेस का। इस बेडरूम के लिए आप यूज कर सकते हैं ये वाला कॉमन टॉयलेट। इस एक यहाँ पे हमने बेडरूम क्रिएट किया है 12 फीट 4 इंचेस बाई 10 फीट 2 इंचेस का, जिसके लिए भी हम यही कॉमन टॉयलेट यूज कर सकते हैं। इसी के साथ हमने ड्रेसिंग यहाँ पे दिया है, ताकि इस ड्रेसिंग रूम आप यहाँ पे यूज कर पाए। और एक हमने ये वाला बेडरूम दिया है, मास्टर बेडरूम आप इसे बोल सकते हैं, 10 फीट बाई 13 फीट का। तो इसके लिए अटैच टॉयलेट हमने यहाँ पे प्रोवाइड किया है, जो 5 फीट 6 इंचेस बाई 9 फीट 9.5 इंचेस का है। इसी के अंदर आप ड्रेसिंग भी क्रिएट कर सकते हैं और अपना इसके वॉशरूम के लिए आप हमें यूज करेंगे। क्लियर। तो बाहर की तरफ आप देखेंगे 5 फीट की बालकनी आपको यहाँ पे प्रोवाइड की गई है, कुछ इस तरीके से। तो अगर आप देख पा रहे हैं यहाँ पे, जो हमने टोटल एरिया था 31 फीट बाई 58 फीट का था, बट जो हमने कवर किया है एरिया, आप देखते होंगे सिटीज वगैरह में, तो हम कंप्लीट एरिया को कवर नहीं कर सकते। अराउंड 60% एरिया को ही हम यहाँ पे कवर कर सकते हैं। तो जो टोटल कवर किया हमने एरिया, वो 9 फीट बाई 39 फीट बाई 7 फीट को हमने यहाँ पे कवर किया है, कुछ इस तरीके से। एक्सक्लूड बालकनी से है, इसके इस डायमेंशन में बालकनी इंक्लूड नहीं है। ठीक है, तो इस तरीके से आप इस चीज को डिजाइन कर सकते हैं। तो आशा करता हूँ आपको डिजाइन अच्छा लगा होगा। अगर अच्छा लगा तो प्लीज कमेंट सेक्शन में जरूर बताएं, और आप मेरे को बता सकते हो कितने बाई कितने प्लान को हम डिजाइन करें, तो आपके लिए हम वो चीज डिजाइन करेंगे। तो प्लीज सपोर्ट करें, शेयर करें, लाइक करें और प्लीज चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलें। थैंक यू सो मच दोस्तों। We'll be right back.